हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सूजी का हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता, जो कि सभी को बहुत पसंद आने वाला है और बनाने में भी बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले ली है मैंने यहाँ पर ये 1 कप सूजी, इसको मैं इस बर्तन में डाल रही हूँ। और इसी कप से 1/2 कप मैंने दही ली है, इसे भी मैं डाल दूँगी इसी बर्तन में। और अब इसी कप में मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इस पानी को हम इस बर्तन में डाल देंगे। अब सूजी और दही को आपस में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए, सूजी और दही आपस में अच्छे से मिक्स हो गई है और इसे अब कवर करके रख देंगे हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। तो चलिए, 15 मिनट हो गए हैं सूजी को रख करके, और ये जो सूजी है ये पहले से थोड़ी सी फूल भी गई है। और अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या सब्जियां ली हैं। तो मैंने यहाँ पर ये प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर और ये बीन्स ली है। आप चाहें तो इनके अलावा कोई और सब्जी भी ले सकते हैं, जैसे मटर है वो ले सकते हो आप, या फिर कोई और सब्जी भी ले सकते हो, पत्ता गोभी, बंद गोभी, जो भी सब्जी आपको लेनी है वो आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये सारी सब्जियाँ डाल दी है इस बोल में। अब डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो मसालों में मैंने यहाँ पर ये 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और साथ में थोड़ा सा मैंने ये जीरा पाउडर डाला है। आप चाहो तो ऑरिगैनो भी डाल सकते हो इस नाश्ते में, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मेरा ऑरिगैनो अभी ख़त्म हो रखा है तो मैंने नहीं डाला है, लेकिन मैं जब भी ये नाश्ता बनाती हूँ तो ऑरिगैनो ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा पानी, और इसको हम अब अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे पानी के साथ। पानी की ज़रूरत थी तो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया इसमें। और ये लीजिए, यहाँ पर जो है ये हमारा नाश्ते का बैटर बन के रेडी हो गया है। और इसमें थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं। तो तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले कड़छी ले ली है और उसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा ये सरसों का तेल। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें मैं ये जखिया डालूँगी। आप चाहें तो जखिए की जगह सरसों भी डाल सकते हो। तो तेल मेरे यहाँ पर काफ़ी गर्म हो गया है तो मैं गैस बंद कर रही हूँ सबसे पहले, और ये जखिया डाल दिया है। साथ में लिया है मैंने यहाँ पर ये एकदम ताज़ा फ्रेश सा करी पत्ता, तो इसको भी मैं इस तेल में डाल दूँगी, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो लीजिए, हमारा तड़का हो गया है बैटर में जाने के लिए तैयार। तो चलिए, अब इस बैटर के ऊपर हम ये तड़का डाल देंगे और अब इसे हम आपस में फटाफट से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने जो ये तड़का लगाया है जखे और करी पत्ते का, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो हम ये नाश्ता बनाने वाले हैं, इसको आप ज़रूर डालिएगा। तो चलिए, ये तो आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब ले रही हूँ मैं यहाँ पर ये बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को भी डाल देंगे हम इस बैटर में और इसे भी इसके साथ अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बेकिंग सोडा डालने के बाद हम तुरंत ही इस नाश्ते को बनाएंगे, हम इसे रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, अब फटाफट से गैस पर एक तवा रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक तवा रख दिया है गैस पर, और गैस ऑन कर लेते हैं। और जैसे ही तवा गर्म होगा इसके ऊपर हम तेल या फिर घी या बटर कुछ भी लगा लेंगे। थोड़ा सा तवे को ग्रीस करना है हमें, जिससे जो हमारा ये बैटर है वो तवे पर ना चिपके। और अब इस बैटर से हम चिल्ले बना लेंगे। तो जितना बड़ा आपको चिल्ला बनाना है उस हिसाब से आप यहाँ पर ये बैटर डालिएगा। तो मैंने तो यहाँ पर ये 2 टेबल स्पून डाली है इस बैटर की, और इसे अब हम हल्के हाथों से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे, जितना बड़ा आपको साइज़ बनाना है उस हिसाब से। और इसको कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए और फिर इसको हम पकाएंगे। यहाँ पे फ्लेम मैंने गैस की बिल्कुल लो करके रखी है। तो चलिए, 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, यहाँ पर जो है ये हमारा चिल्ला थोड़ा सा फूल भी गया है और ऊपर से भी हल्का सा ये पक गया है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पर घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो घी की जगह तेल भी ले सकते हो, जो आपको लेना है आप वो थोड़ा सा लगा दीजिएगा इसके ऊपर इस तरीके से, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो हमें फिर दूसरे साइड घी या तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए, हमारा ये चिल्ला अच्छे से आसानी से निकल भी रहा है तवे से,
कहीं से भी हमारा ये चीला तवे से चिपक नहीं रखा है। तो इसको अब हम पलट लेते हैं और चीले को हम ध्यान से आराम से पलटेंगे, क्योंकि चीला टूटने का डर भी रहता है। तो ये देखिए, इस साइड से हमारा ये चीला पक गया है। तो इस साइड में मैं थोड़ा सा और घी लगा रही हूँ और थोड़ा सा घी साइड से डालेंगे। और अब वापस से ढक करके हम चीले को 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो चलिए, 1 से 1.5 मिनट हो गया है और चीले को अब चेक कर लेते हैं। दूसरे साइड से हम चीले को पलट लेते हैं, ध्यान से पलटेंगे फिर से। तो ये देखिए, इधर से भी हमारा चीला ये पक गया है और देखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अच्छे से चारों तरफ से पक गया है हमारा ये चीला, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में चीला। तो चलिए, इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। वाओ, लुक्स सो यमी। और इसी तरीके से अब यहाँ पर हम बाकी के चीले भी बना लेते हैं। जितने इस बैटर से चीले बनेंगे उतने चीले मैं और बना लेती हूँ फटाफट से। और अगर आप चीला मोटा बनाओगे थोड़ा सा, तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आप इस तरीके से पतला चीला बनाओगे तो वो 1-1.5 मिनट के अंदर आपका एक साइड से चीला पक करके तैयार हो जाएगा। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो ये चीला है ये टूट भी सकता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हमारा चीला टूट रहा है पलटते समय, तो आप इस तरीके से एक दूसरा तवा लीजिए या फिर प्लेट लीजिए, उस पर आप इसको निकाल लीजिए इस तरीके से, और उसके बाद ऐसे पलट के डाल दीजिए आप। तो इस तरीके से डालोगे तो आपका चीला बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये सारे चीले बना लिए। तो मेरे यहाँ पर ये इस बैटर से 3 चीले बन के रेडी हो गए हैं। और अब इस चीले को आप चाहे सॉस के साथ खाइए, चाहे हरी चटनी के साथ खाइए, जिसके साथ आपका मन करे आप उसके साथ इस चीले को खाइए और इस चीले का मज़ा लीजिए। इस चीले को आप चाहे इवनिंग ब्रेकफास्ट में खाइएगा, चाहे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाइएगा, जब भी आपका मन करे तब आप इसको आसानी से बना सकते हो। मैंने तो इस चीले को इवनिंग ब्रेकफास्ट में बनाया है। अगर आप इसमें स्टार्टिंग में बैटर में थोड़ा सा ऑरिगैनो डाल दोगे ना फ्रेंड्स, तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आपके बच्चे इस चीले को थोड़ा सा भी नहीं छोड़ने वाले हैं। वो फटाफट से सारा चीला चट कर जाएंगे। तो चलिए, मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ चीला। थोड़ा सा गर्म है और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है हमारा ये चीला और बहुत ही बढ़िया चीला हमारा ये बना है। थोड़ा सा मैं इसको टेस्ट करती हूँ कि हमारा ये चीला कैसा बना है। तो फ्रेंड्स, ये चीला ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और मैं अपने आप को 2 बाइट्स खाने से अभी रोक नहीं पाई। तो मैंने यहाँ पर अभी 2 बाइट्स ली है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस चीले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और हेल्थी तो है ही। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।